छात्रों गुड मॉर्निंग, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने जो है ब्रायोफाइटा के बारे में चर्चा किया था, आज हम चल रहे हैं टेरिडोफाइटा के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में चर्चा करने? टेरिडोफाइटा के बारे में चर्चा करने। आइए सबसे पहले चलते हैं कि टेरिडोफाइटा के क्या सामान्य लक्षण हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए, नंबर वन जो है, आपने ब्रायोफाइटा पढ़ा था, उसमें मुख्य पौधा एक मकोदगीत होता है, लेकिन इसमें नंबर वन मुख्य पौधा जो होता है बीजाणुवित होता है। क्या होता है? टेरिडोफाइटा में मुख्य पौधा क्या होता है? बीजाणुवित स्पोरोफाइट होता है। नंबर दो, ये प्राय जो होते हैं स्थलीय होते हैं, अर्थात नम एवं छायादार स्थानों पाए जाते हैं। दूसरा, इनमें संवहन बंडल जो होता है संवहन ऊतक विकसित होता है, जो जाइलम एवं फ्लोएम में जो होता है गठित होता है। चौथा, इनमें जो होता है जड़ पौधा जड़ तना एवं पत्ती में विभक्त होता है। पांचवा, इसमें जो है जाइलम में जो होता है बालिकाओं तथा फ्लोएम में सखी कोशिकाओं का जो होता है अभाव होता है। छठा, ये टेरिडोफाइटा वर्ग के जो पौधे होते हैं ये पुष्प विहीन होते हैं। क्या होते हैं? पुष्प, अर्थात इनमें पुष्प नहीं लगते हैं। नेक्स्ट, सेवंथ, इनमें जो होता है बीज का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट, इनमें जो है बीजाणुधानी स्पोरेंजियम में बनते हैं। नेक्स्ट, इसमें बीजाणुधानियां जो होती हैं एक विशेष प्रकार की पत्तियों पर उत्पन्न होती हैं, जिन्हें बीजाणुपर्ण स्पोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोफिल। नेक्स्ट, इसमें जो एक मुखोद्भिद अवस्था होती है, ये एक मुखोद्भिद अवस्था जो होती है ये क्या कहते हैं, स्वकोशी नहीं होती है, इसमें छूट गया है, ये स्वकोशी स्वकोशी नहीं होती, अर्थात जो है बीजाणुवित पर आश्रित होती है। नेक्स्ट, इसमें मकोदगीत पर नर जनन कुंधानी एंथेलियम एवं मादा जनन जो होते हैं स्त्री धानी आर्किगोनियम जो होते हैं उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट, इनमें जो है इसे इस टेरिडोफाइटा की वर्ग के पौधों में पीढ़ी अर्थात अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है होता है। नेक्स्ट, इसमें भी ब्रायोफाइटा की भांत निषेचन आंतरिक होता है तथा निषेचन के लिए जल निषेचनी होता है, अर्थात जल आवश्यक होता है। नेक्स्ट, इसमें बीजाणु जब अंकुरित होते हैं तो पहले हृदय के आकार की एक रचना बना, जिसे प्रोथैलस बना प्रोथैलस कहते हैं, और प्रोथैलस भी ही जो होती है ये टेरिडोफाइटा की मकोदगीत अवस्था होती है, जिसमें नर दंडा कुंधानी जो मादा दंडा जो होता है इसके धान जो होते हैं उत्पन्न होते हैं। फिर समझिए टेरिडोफाइटा की सामान्य लक्षण। नंबर वन जो है इसमें जो है मुख्य पौधा बीजाणुवित स्पोरोफाइट होता है। दूसरा, ये टेरिडोफाइट जो होते हैं स्थलीय होते हैं, अर्थात ये प्राय नम एवं छायादार स्थानों पर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो है संवहन ऊतक पाया जाता है, जो जाइलम में फ्लोएम में जो होता है विभक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें पौधा जो होता है जड़ तना अर्थात बीजाणुवित जड़ तना एवं पत्ती में जो होता है विभक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जाइलम में वाहिकाओं तथा फ्लोएम में सखी कोशिकाओं का जो होता है अभाव होता है। नेक्स्ट, ये जो है टेरिडोफाइट जो होते हैं ये पुष्प विहीन पौधे अर्थात इनमें पुष्प नहीं लगते हैं। सातवां, जो है इनमें जो होता है बीज का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट, इसमें जो है अर्थात इस वर्ग के पौधों में बीजाणु जो होते हैं बीजाणु प्राणियों अर्थात स्पोरेंजियम में जो होते बनते हैं। नेक्स्ट, इसमें जो है बीजाणु प्राणियां जो होती हैं एक विशेष प्रकार के पत्तियों पर उत्पन्न होती हैं, जिन्हें बीजाणुवित बीजाणुपर्ण या स्पोरोफिल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो है इनमकोद्भिद अवस्था जो होती है ये स्वकोशिक नहीं होती, बहुत ही छोटी होती है। नेक्स्ट, इसमें इनमकोद्भिद पर जो है नर जननांग अर्थात प्रोथैलस पर नर जननांग कुंधानी एंथेलियम जो मादा जननांग जो होता है स्त्री धानी उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो है पीढ़ी एकांतर अर्थात इसमें टेरिडोफाइटा के जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतर अल्टरनेशन अल्टरनेशन होता है। नेक्स्ट, इसमें निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। नेक्स्ट, इसमें बीजाणु जो होते हैं अंकुरित होकर हृदय के आकार की रचना बनाते हैं, जिसे प्रोथैलस कहते हैं या प्रोथैलस बनाते हैं, जिस पर जिसे जिसे मकोदगीत कहते हैं, अर्थात प्रोथैलस पर ही जो होते हैं नरियों मादा जननांग स्त्री धानियों जो है कुंधानी जो होते हैं उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट आइए,
ब्रायोफाइटा टेरोफाइटा में कुछ समानताएं होते हैं दोनों समूह के पौधों में, क्या क्या समानता है। नंबर वन, दोनों ये जो है टेरोफाइटा एवं ब्रायोफाइटा के पौधे जो होते हैं कारण जो होते हैं या क्लोरोफिल के कारण जो होते हैं स्वकोशीय होते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं बनाते हैं। दूसरा, ये दोनों वर्ग के पौधे प्राय स्थानीय होते हैं तथा नम एवं छायादार स्थानों पर जो होते हैं उगते हैं। नेक्स्ट, इनमें दोनों में नर जननांग पुधानी एवं मादा जननांग जो है स्त्रीधानी होता है। नेक्स्ट, इनमें दोनों में जो है पुधानी में नर युग्मक या कुमार तथा स्त्रीधानी में जो है मादा युग्मक, स्त्रीधानी में मादा युग्मक या अंडकोश का जो होते बनते हैं। नेक्स्ट, इनमें दोनों में निषेचन के लिए जो होता है जल आवश्यक होता है। नेक्स्ट, इनमें दोनों के जीवन चक्र में पीढ़ी एकांत, तो ये छह समानताएं जो होती हैं ब्रायोफाइटा एवं टेरोफाइटा में होती हैं। फिर समझिए क्या क्या समानताएं होती हैं। नंबर वन, दोनों ये ब्रायोफाइटा एवं टेरोफाइटा में क्लोरोफिल होने के कारण ये स्वकोशी होते हैं अर्थात अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। दूसरा, ये प्राय स्थलीय होते हैं तथा नम एवं छायादार स्थानों पर उगते हैं। नेक्स्ट, इन दोनों में नर जननांग पुधानी एवं मादा जननांग जो है स्त्रीधानी होता है। नेक्स्ट, इन दोनों में पुधानी में नर युग्मक या कुमार तथा स्त्रीधानी में मादा युग्मक या अंडकोशिका बनते हैं। नेक्स्ट जो है, इन दोनों में जो है निषेचन के लिए जो होता जल आवश्यक होता है। नेक्स्ट, इनमें दोनों के जीवन चक्र में जो होता पीढ़ी का अंतर होता है। नेक्स्ट आइए हम ब्रायोफाइटा टेरोफाइटा में कुछ अंतर पाए जाते हैं, तो अंतर के बारे में हम जानते हैं चर्चा करते हैं क्या क्या अंतर होते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, ब्रायोफाइटा के पौधे जो होते हैं अपेक्षाकृत कम विकसित होते हैं और टेरोफाइटा के पौधे जो होते हैं ब्रायोफाइटा से अधिक विकसित होते हैं। दूसरा, ब्रायोफाइटा में इसमें मुख्य पौधा युग्मकोशिक होता है जबकि टेरोफाइटा में मुख्य पौधा जो होता है बीजाणुभिद होता है। नेक्स्ट, ब्रायोफाइटा में जो है इसमें पौधा जड़ तना एवं पत्ती में जो होता है विभक्त होता है अर्थात इसमें कह सकते हैं जड़ तना एवं पत्ती का जो होता है अभाव होता है। इसमें जो है पौधा जड़ तना एवं पत्ती में विभक्त होता था तीनों होते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें जो है ब्रायोफाइट में इसमें युग्मकोशिक अवस्था स्वतंत्र एवं स्वकोशी होता है। इसमें जो है युग्मकोशिक जो है स्वतंत्र एवं स्वकोशी नहीं होता है अर्थात बीजाणुभिद आश्रित होता है। नेक्स्ट, इसमें जो है ब्रायोफाइट में इसमें बीजाणुभिद युग्मकोशिक पर जो होता आश्रित होता है। इसमें बीजाणुभिद स्वतंत्र एवं जो होता है स्वकोशी होता है। नेक्स्ट जो है ब्रायोफाइटा में इसमें संवहन ऊतक का अभाव होता था अनुपस्थित होता है जबकि जो होता टेरोफाइटा में संवहन ऊतक विकसित होता जो जाइलम और फ्लोएम में जो होता विभक्त होता है। नेक्स्ट आइए फिर समझते हैं क्या क्या अंतर है। नंबर वन, ब्रायोफाइटा में आइए, ब्रायोफाइटा के पौधे अपेक्षाकृत कम विकसित होते हैं जबकि टेरोफाइटा ब्रायोफाइटा से अधिक विकसित होते हैं। दूसरा जो है, ब्रायोफाइटा में मुख्य पौधा युग्मकोशिक होता है और टेरोफाइटा में मुख्य पौधा बीजाणुभिद होता है। नेक्स्ट, ब्रायोफाइटा में जड़ तना एवं पत्ती का अभाव होता है जबकि टेरोफाइटा में जड़ तना एवं पत्ती में पौधा जो होता है विकसित होता है। नेक्स्ट जो है, ब्रायोफाइटा में इसमें युग्मकोशिक स्वतंत्र एवं स्वकोशी होता है, इसमें युग्मकोशिक स्वतंत्र स्वकोशी नहीं होता है। नेक्स्ट जो है, ब्रायोफाइटा में इसमें बीजाणुभिद युग्मकोशिक प्राश्रित होता है जबकि टेरोफाइटा में बीजाणुभिद स्वतंत्र एवं स्वकोशी होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट जो है, ब्रायोफाइटा में इसमें संवहन ऊतक का अभाव होता है जबकि टेरोफाइटा में संवहन ऊतक होता विकसित होता है जो जाइलम एवं फ्लोएम में जो होता विभक्त होता है। छात्रों, इसके पहले हमने टेरोफाइटा के सामान लक्षण और टेरोफाइटा के सामान लक्षण के आगे हमने जो है फिर ब्रायोफाइटा टेरोफाइटा में क्या समानता है क्या अंतर इसके बारे में चर्चा किया था। अब हम चल रहे हैं टेरोफाइटा के वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरोफाइटा। ध्यान दीजिएगा,
टेरोफाइटा को चार उपसंघों में चार सब फाइलम में जो है विभक्त किया गया है, जिसमें सब फाइलम के उपसंघ नंबर वन जो है सब फाइलम साइलोफाइटा, और दूसरा जो है सब फाइलम लाइकोफाइटा, और तीसरा सब फाइलम आर्थ्रोफाइटा, और चौथा जो है सब फाइलम फिल्कोफाइटा। क्या हमने बताया छात्रों, ये जो है टेरोफाइटा को चार उपसंघों सब फाइलम विभक्त किया गया है, जिसमें सब फाइलम नंबर वन जो है साइलोफाइटा, सब फाइलम नंबर दो लाइकोफाइटा, और सब फाइलम थर्ड जो है आर्थ्रोफाइटा, और सब फाइलम फोर्थ फिल्कोफाइटा। इस प्रकार से चार उपसंघों चार जो है सब फाइलम में जो है विभक्त किया गया है। आइए अब हम चलते हैं सब फाइलम जो है साइलोफाइटा के बारे में चर्चा करने। क्या ध्यान दीजिएगा, इस सब फाइलम उपसंघ की क्या क्या विशेषताएं होती है, नंबर वन विशेषताएं होती है, नंबर वन इनमें जो है संवहन बंडल जो है केवल तने में होता है, दूसरा इसमें जल अवशोषण जड़ के स्थान पर मूलाभास राइजोइड के द्वारा होता है, तीसरा इसमें पत्तियां अनुपस्थित होती हैं, चौथा इसमें बीजाणुधारी तने के अग्रश्रय पर उत्पन्न होती हैं, और जो है ये सभी जो है सब बीजाणु होते हैं क्योंकि एक ही प्रकार के बीजाणु निकलते हैं। नेक्स्ट इसमें केवल साइलोलोटन ही जीवित होता है, बाकी से सभी पौधे जीवाश्म के रूप में इसमें पाए जाते हैं। फिर समझिए, इसमें जो है साइलोफाइटा में जो है नंबर वन इसमें संवहन होता केवल तने में होता है, दूसरा इसमें जल अवशोषण जल के स्थान पर मूलाभास द्वारा होता है, तीसरा इसमें पत्तियां अनुपस्थित होती हैं, चौथा इसमें बीजाणुधारी तने के अग्रश्रय उत्पन्न होती है, पांचवा इसमें बीजाणु एक प्रकार के बढ़ते अर्थात सब बीजाणु होते हैं, छठा इसमें केवल साइलोफाइटा ही जीवित है, बाकी से सभी पौधे जो होते हैं जीवाश्म के रूप में होते हैं। एग्जाम्पल में साइलोफाइटा ये जीवित है। समय आइए सब फाइलम सेकंड लाइकोफाइटा, सब फाइलम सेकंड लाइकोफाइटा ध्यान रहे इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर वन इन्हें जो है क्लब मास या स्पाइक मार्क्स भी कहा जाता है, दूसरा इसमें जड़ तना एवं पत्तियां जो है होती हैं, तीसरा जो है इसे इनमें सभी अंगों में संवहन ऊतक यानी जालन में फ्लोइंग पाया जाता है, चौथा इनमें पत्तियां बहुत ही छोटी एवं पतली होती हैं, पांचवा इनमें जो है तने के अग्रभाग पर बीजाणुपण का एक गुच्छा होता है जिसे संघ या स्ट्रोबिलस कहते हैं, छठा इसमें जो है कुछ जो है पौधे सम बीजाणु होते हैं और कुछ जो होते हैं विषम बीजाणु होते हैं। तो ये छह विशेषताएं होती हैं। फिर आइए नंबर वन से लाइकोफाइटा क्या क्या विशेषता है। नंबर वन इन्हें क्लब मास या स्पाइक मास भी कहते हैं, दूसरा इनमें जड़ तना एवं पत्तियां होती हैं, तीसरा इनमें सभी अंगों में संवहन ऊतक पाया जाता है, चौथा इनमें पत्तियां बहुत ही छोटी एवं पतली होती हैं, पांचवा इसमें इनमें तनों के अग्रभाग पर बीजाणुपण का एक गुच्छा होता है जिसे हम संघ या स्ट्रोबिलस कहते हैं, छठा जो है इसमें जो है कुछ पौधे सम बीजाणु एवं कुछ पौधे जो होते हैं विषम बीजाणु होते हैं, एग्जाम्पल में सेलाजिनेला और लाइकोपोडियम। नेक्स्ट आइए सब फाइलम तीसरा जो है आर्थ्रोफाइटा, तीसरा आर्थ्रोफाइटा, आर्थ्रोफाइटा क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर वन इसमें तना संयुक्त होता है अर्थात जोड़ होता है गांठें होती हैं, दूसरा इसमें पत्तियां बहुत छोटी एवं सब पत्र के समान होती हैं, तीसरा इसमें तने में सिलिका पाई जाती है, चौथा इसमें तने पर लंबी खाक एवं कंटक मने गड्ढे होती है, पांचवा ये समबीजाणु होते हैं अर्थात इसमें बीजाणु एक प्रकार के बनते हैं, छठा इसमें तने के शीर्ष पर संघ होता है। फिर समझिए सब फाइलम आर्थ्रोपोडा क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर वन इसमें तना संयुक्त होता है, दूसरा इसमें पत्तियां छोटी एवं सब पत्र के समान होती हैं, तीसरा इसमें तने में सिलिका पाई जाती है, और चौथा इसमें तने पर लंबी खांच एवं कंटक होती है, पांचवा ये पौधे जो होते हैं सब बीजाणु होते हैं, छठा इसमें तने के शीर्ष पर संघ या स्ट्रोबिलस होता है। जामुन में स्पाइसिकम हाइनिया। नेक्स्ट आइए सब फाइलम चौथा जो है ये जो है फिल्कोफाइटा, चौथा सब फाइलम है उपसंघ, इसे क्या क्या विशेषताएं होती है। नंबर वन इनमें पत्तियां पंख के आकार की होती हैं जिन्हें पंख कहते हैं, दूसरा इसमें इनमें बीजाणुपण की निचली सतह पर बीच में
या किनारे पर बहुत सी बीजाणु धानियां उत्पन्न होती हैं। तीसरा, इनमें बीजाणु अंकुरण से जो है युग्मकोद्भिद या प्रोफेगस बनता है, जिस पर धानी धानी उत्पन्न होती है। इसकी मुख्य रूप से तीन विशेषताएं हैं। नंबर वन, पत्तियां पंख के आकार छोटी जिन्हें पीपण कहते हैं। दूसरा, इनमें बीजाणु पंख की निचली सतह पर बीच में या किनार पर बहुत सी बीजाणु धानियां होती हैं। तीसरा, इनमें बीजाणु अंकुरण से युग्मकोद्भिद या प्रोफेगस बनता है, जिस पर कुधानी युग्मस्थित धानी उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल में ड्रायोपेरिस और टेरिस योगएडिएंटम। तो इस प्रकार से जो है इसको जो है टेरोफाइटा को जो है चार उपसंघों में जो है या सब फाइलम में जो है विभक्त किया गया है। चार उपसंघों या सब फाइलम में जो है वो विभक्त किया गया है। अब आइए अब चलते हैं टेरोफाइटा का आर्थिक महत्व। टेरोफाइटा के आर्थिक महत्व को जो है ये पांच भागों में विभक्त किया गया है। जैसे नंबर वन, उर्वरक के रूप में आयोडीन बायोफर्टिलाइजर। दूसरा, सजावट के रूप में। तीसरा, खाद्य पदार्थ के रूप में आयोडीन फूड जो है। चौथा, मनोरंजन के रूप में आयोडीन इंटरटेनमेंट। और जो है पांचवा, जीवनाशक के रूप में आयोडीन जो है पेस्टिसाइड। और छठा जो है जीवाश्म ईंधन के निर्माण में इंफॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। आइए नंबर वन, जैव उर्वरक के रूप में। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ जो है टेरोफाइट जैसे एजोला, एजोला के अंदर जो होता है एनामिना एजोली नामक जो है नीला हरा शैवाल जो होता है निवास करता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। इसलिए एजोला को धान के खेतों में जो होता है जैविक उर्वरक, जैविक खाद या जैव उर्वरक के रूप में जो होता प्रयोग किया जाता है। तो क्या हमने बताया, नंबर वन जैव उर्वरक के रूप में, इसमें हमने बताया कि कुछ टेरोफाइट्स जैसे एजोला के अंदर जो है एनाबिली एजोली नामक जो है नीला हरा शैवाल निवास करता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। इसीलिए एजोला को जो है धान के खेतों में जैव उर्वरक या जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए सजावट के रूप में। आप देखिए कि फल की विभिन्न प्रकार की जातियां जो होती हैं घरों या बगीचों की सुंदरता के लिए लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त लाइकोपोडियम एवं सिनेजिनेला का उपयोग अंदर एवं बाहर के भूतल को सजाने के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर से समझिए, सजावट के रूप में हमने बताया कि फल के अनेक जातियां जो होती हैं घरों एवं बगीचों की सुंदरता के लिए लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त लाइकोपोडियम एवं सिनेजिनेला का उपयोग जो होता है अंदर एवं बाहर के जमीन या भूतल को सजाने के रूप में उपयोग किया जाता है। तीसरा जो है आइए जो है ये खाद्य पदार्थ के रूप में आयोडीन फूड। ध्यान दें, कुछ टेरोफाइट जैसे जो है आइसोटस के घन कंद को मनुष्य तथा पालतू एवं जंगली जंतुओं द्वारा जो होता है भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। भोजन के रूप में फिर समझिए, खाद्य के रूप में कुछ टेरोफाइट जैसे जो है आइसोटस के घन कंद को या उसके गजर को मनुष्य एवं पालतू और जंगली जंतुओं के द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। चौथा ये मनोरंजन के रूप में सिलेजनेला की जो है कुछ जातियों को जो होता है पुनर्जीवनी पौधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुनर्जीवनी कहा जाता है, क्योंकि ये सूखने पर मुड़कर छोटे गेंद के रूप में हो जाते हैं और मृत प्रतीत होते हैं, और जल में अगर डाल दिया जाता है तो पुनः ये पौधे पूर्ण रूप से फूटकर हरे हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें मनोरंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है और कतूहल पर मार्केट में इनको जो होता है बेचा जाता है। फिर समझिए, सिलेजनेला की कुछ जातियों को जो है पुनर्जीवनी पौधा कहा जाता है, क्योंकि ये सूखने पर मुड़कर छोटे एवं गेंद के समान हो जाते हैं और मृत दिखाई देते हैं तथा जल में डालने पर पुनः पूर्ण रूप से खुलकर हरे हो जाते हैं। इसलिए इन्हें मनोरंजन के रूप में जो होता है उपयोग किया जाता है और मार्केट में जो होता है इनको जो होता है बेचा जाता है। पांचवा ये जीवनाशक के रूप में आयोडीन पेस्टिसाइड, यानी लाइकोपोडियम की जो है अनेक जातियां जो होती हैं नाइट्रोजन रसायन एल्कलॉइड बनाती है जो विष का कार्य करता है। इसलिए लाइकोपोडियम को जीवनाशक के रूप में जो होता है प्रयोग किया जाता है। हमने क्या बताया,
कि जो है जीवनाशक के रूप में लाइकोपोडियम की अनेक जातियां होती हैं। नाइट्रोजन युक्त रसायन एल्कलाइड बनाती हैं जो विष का कार्य करता है। इसका कार्य करता है विष का, इसलिए लाइकोपोडियम को जीवनाशक या पेस्टिसाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। छठा ये जीवाश्म ईंधन के निर्माण में ध्यान दें, विशाल हास्य एवं लाइकोपोडियम और अन्य जो है ये कैरोफाइट्स जो होते हैं जो दलदलीय स्थानों में पाए जाते हैं, वो अधिकांश लोग दलदलीय स्थानों में पाए जाते हैं। बाद में दलदल के समाप्त होने पर या दलदल के टूटने पर ये पौधे जो होते हैं वो जमीन के अंदर जो है दलदल में समा गए, जो बाद में जीवाश्म के रूप में या कोयले के रूप में प्रयोग जो है वो परिवर्तित हो गए, जिनको वर्तमान में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर समझिए अनेक विषाक्त जो है कैरोफाइट जैसे हास्य लाइकोपोडियम ये जो है दलदलीय वनस्पतियों के प्रमुख स्थित, ये दलदलीय वनस्पतियां थी, बाद में जब दलदल समाप्त होने लगा या दलदल डूबने लगा ये जो है दलदल में दब गए और फिर कोयला या जीवाश्म के रूप में ईंधन के रूप में परिवर्तित हो गए। तो छात्रों हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।